करवट लेते मौसम ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। हरियाणा में 23 व 24 अप्रैल को कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंधी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एमएल खिचड़ ने बताया कि 23 व 24 अप्रैल को बादल व तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही बदलते मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि सरसों, गेहूं, चने व अन्य फसलों की कटाई करते समय बदलते मौसम का ध्यान रखें। मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है 25 अप्रैल तक, और इसमें क्या है कि एक पश्चिम विक्षोभ 23 तारीख को और दोबारा जिसमें हरियाणा को इफेक्ट करेगा, ये तो ये हिमालय और हिमाचल की तरफ बढ़ेगा और इसमें पंजाब हरियाणा पर इस पर प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण 23 और 24 को कहीं कहीं गर्जन के साथ और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हल्की बारिश की संभावना है, जिससे अभी जो दो दिन मौसम में साफ रहेगा 21 और 22 को, और 23 से थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब दो दिन थोड़ा तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, और इससे किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि वो अभी 23 और 24 की जो बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है हल्की बारिश की, तो किसान भाई जैसे उस फसल की कटाई और कढ़ाई करते हैं और जो कटाई करते हैं उसके बाद में बंडल वगैरह उसको बांधे, क्योंकि हवा तेज चलने से वो उड़ सकते हैं, और कटाई कटाई करते समय अपने तिरपाल वगैरह का प्रबंध साथ रखना चाहिए, जो मंडी में ले जाते हैं तो वो तिरपाल आदि का प्रबंध साथ रखें। और किसान भाई को ये भी सलाह दी जाती है कि जो नरमा कपास की बिजाई करते समय बदलते मौसम का ध्यान अवश्य रखें। इसमें ये है कि अभी एट प्रेजेंटली तो नरमा कपास की बिजाई चल रही है, तो उसमें जिस किसान भाइयों ने बिजाई करी है पिछले दो तीन दिनों में, तो उनकी वो करंट हो जाती है फसल, तो वो करंट को तोड़ना पड़ेगा, और कई बार बिल्कुल इमिडिएटली बारिश आ जाती है तो वो फसल बिजाई दोबारा भी करनी पड़ सकती है, जिससे उसका खर्चा भी बढ़ेगा। और जैसे अभी गेहूं, जो चना, सरसों, उनकी कटाई और कढ़ाई लगभग चल रही है और मंडी में भी ले जा रहे हैं, तो उससे बारिश में जो किसान को नुकसान थोड़ा हो सकता है। सब्जियों में ऐसा है कि ये बारिश थोड़ी हल्की है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा।